तो जो तुम्हारे चेहरों पे बहुत से प्रश्न आते हैं सर जो ऐसे मुंह बना के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं ना सर वो गायब हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्थान ही नहीं लेगा तो ये भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं विचारों का जो उन्नयन इधर उधर हो रहा है सब बंद हो जाएगा क्योंकि सर समय तुम्हारा दिमाग रीजन फाइंड आउट करो और जिस दिन तुम इस प्रक्रिया में घुस गए उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो यही चाहते हैं सो आप जो पढ़ते हो इफेक्ट्स विदाउट रीजन एंड दैट इज नोन एज फैक्ट्स जी ट्वेंटी का सम्मेलन कहां हुआ कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे आप बड़ा खुश है बड़ा खुश है कितने तरह के व्यंजन परोसे गए इसमें भी कई लोग बड़ा खुश हैं न्यूज चल रहा है मिलेट दिया गया कई लोगों ने इतना भी लिख लिया हां मोटे अनाज दिए गए भारत मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहा बड़ा खुश है पर हो क्या रहा है ये तुम जानना नहीं चाहते हो सो प्रिलिम्स इज ऑल अबाउट रीजनिंग जब और यही से होगा और जब रीजन इफेक्ट को डिलीवर किया जाता है तो वो मेंस है वो मेंस है तो प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशंस का अंतर होता है मेंस क्या है एक्सप्रेशन ऑफ रीजन एंड इफेक्ट इन अ डिसिप्लिन वे लिख लो इसको इन डिसिप्लिन वे मेस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ रीजन एंड इफेक्ट इन डिसिप्लिन वे मुख्य परीक्षा कारण और प्रभाव की अनुशासित इसको अंडरलाइन करके लिखना अनुशासित अभिव्यक्ति है कारण और प्रभाव की अनुशासित अभिव्यक्ति है सो so व्हाट इज अनुशासित बहुत खतरनाक शब्द है व्हाट इज अनुशासित मैंने क्या कहा अनुशासित अभिव्यक्ति है डिसिप्लिन एक्सप्रेशन अब ये शब्द बहुत भारी है ये बाई डायरेक्शनल वर्ड है ये बाई डायरेक्शनल वर्ड है ये एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है जब तुम्हें बताया जाता है कि आपको सीमित शब्दों में लिखना है बताया क्या होगा सीमित टाइम में लिखना है ये तो बात आपको पचास बार बताई गई होगी आपको पता भी होगी मुझसे ज्यादा विद्वान हो बट ये लिख कौन रहा है ये लिखता कौन है तुम्हारा आंसर बह बह के लिखना क्या होता है भाई तुमसे मैंने कहा अनुशासित अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्ति में एक शब्द जोड़ लो लिखित अभिव्यक्ति एक लाइन और जोड़ लो बोलना नहीं है जैसे इन्होंने कहा कि मैं बोल के बता दूंगी लिखूंगी नहीं लिखित रिटर्न एक्सप्रेशन है लिख कौन रहा है तुम लोग लिख रहे हो और लिखा कैसे जाता है अरे तुम फिर भटक गए लिखने के लिए तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अपने आप हाथ को कहते चल या छड़ी लेके बोलते होलो मोरा और पेन से चलने लगती है, की क्या पास? सोचना पहले सोचना है। सोचता कौन है तो दिमाग दिमाग किसकी संपत्ति है अरे तुम दिमाग की संपत्ति हो जिस दिन दिमाग तुम्हारी संपत्ति हो गया उस दिन तुम ये सब बातें नहीं करोगे तुम दिमाग की संपत्ति हो ये खेली नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है यानी जो विचार है जिस ग्लास में रखे जा रहे जिस कटोरे में रखे जा रहे उसको माइंड कहते हैं एंड इफ योर माइंड इज नॉट डिसिप्लिन हाउ योर थॉट कैन बी अगर तुम्हारा सोच बोलने का तरीका हर दिन जो तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो अगर वो अनुशासित नहीं है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जो तुम्हारे थॉट्स हैं वो डिसिप्लिन हो पाएंगे और जब तुम्हारे थॉट्स ही डिसिप्लिन नहीं है यू आर ए मेसी पर्सन अब दिमाग कहां रहता है शरीर में हु इज वेहकल बॉडी इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन इन योर थॉट्स एंड इन योर एक्ट अगर आप अपने विचार और अपने कर्तव्यों में अनुशासित नहीं हो तो तुम आगे चलकर राइटिंग अच्छी नहीं कर पाओगे ये बड़ी लंबी बात कह रहा हूं और अनुशासन क्या होता है वट इज अनुशासन अनु शासन अभी मैंने एक लाइन बोली तुम लोगों ने लिखा नहीं आज की क्लास मुझे कोई वापस कर दे ऑनलाइन ही वापस कर दे मैं धन्य हो जाऊंगा बड़ी प्यारी क्लास है अनुशासन हिंदी वर्ड यूज कर देता हूं शासन मतलब रूलिंग होता है अभी आपने कहा कि हमारा दिमाग सोच रहा है और दिमाग का मालिक कौन आपने बड़े गर्व से कहा हम है नहीं दिमाग आपको गवर्न करना है यार मजा नहीं आ रहा है छोड़ना यार बोर हो गए नींद आ रही है खाने में कोई कमी नहीं निकाल पा रहे दो दिन से कुछ मजा नहीं आ रहा है पेट खराब हो रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कुछ इल्यूजन्स हो रहे हैं ये तुम्हारा दिमाग तुमसे करा रहा है बुरा मत मानना अनुशासन शब्द को तुमने कभी समझा ही नहीं कि क्या है अनुशासन का मतलब पहला होता है शासन यानी रूलिंग रूलिंग मतलब तुम्हें यहां बैठना है तुम्हें वहां बैठना है गिविंग द कमांड शासन किसे बोलते हैं आम गिविंग द कमांड दैट मीन्स यू आर इन कंट्रोलिंग पोजिशन इज द कंट्रोलिंग पोजिशन द कंट्रोलिंग पोजिशन यू आर इन कंट्रोलिंग पोजिशन मुझे पांच बजे उठना है शरीर के गारे यार सोले आर्म इन कमांड उठो दैट इज डिसिप्लिन लिखना है हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है जैसे अभी मैडम ने कहा कि मैं लिख नहीं पाऊंगी आई एम ऑल्सो मुझे यहां दर्द हो गया बहुत ज्यादा मेरा वो मसल टियर हो गई है बट मैं कॉन्टिन्यूस लिख रहा हूं बिकॉज मैं इसको बोल नहीं रहा हूं कि मुझे दर्द है मैं इसको जिस दिन बताऊं रात में जाऊंगा तब इसको पता चलेगा दर्द है आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार वो सुनेगा डोंट गिव देम द लीवरेज एग्जाम्पल ले रहा हूं तो ये रोजमर्रा की घटना है तुम अपना एक लिस्ट बनाओ कि कितनी बार ऐसा हुआ कि प्रोकेस्टिनेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है तालमटोल की आदत तो शासन वर्ड आता है यानी कंट्रोल करने को लेकर कि मैं कंट्रोल करता हूं कमांड इन कमांड पोजीशन तो मुझे ईमानदारी से बताओ कितने लोगों का अपने दिमाग पर कमांड है बोलना नहीं है करना है मतलब हंड्रेड परसेंट अगर किया तो वो दस क्वेश्चन क्यों नहीं अपलोड हुए तो तुम अपनी दुनिया मस्त हो ठीक है अब इसमें एक वर्ड है अनु अर्थात अनुसार और अर तुम्हें तलवार लेके थोड़ा शासन करना है कि लेके बैठ के लाइब्रेरी में ले जो नहीं पड़ेगा आज का गर्दन काट देंगे यानी अनुशासन जो होता है वो सेलेक्टिव होता है ध्यान से समझो दिस इज सेलेक्टिव व्हाट इज द सेलेक्टिव इस कार्य के अनुसार मुझे अपने दिमाग को शासन देना है द लिटरल मीनिंग ऑफ अनुशासन इज इस कार्य इस लक्ष्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस गोल आई एम कमांडिंग माई माइंड आई एम कमांडिंग माई माइंड इस लक्ष्य के अनुसार दिस इज नोन एज अनुशासन दैट मीनस दिस इज नॉट फॉर द लाइफ लॉन्ग किसी ने तुम्हें कहा कि जीवन भर नहीं दिस अकॉर्डिंग टू यू अब तुमने अपना लक्ष्य क्या चुन लिया अगर मान लो तुमने सोचा होगा लोको पायलट का एग्जाम देना है तुमने सोचा होगा फिजिकल देना है तो तुम सुबह उठ के दौड़ने जाते ना कि तुम्हें ये दौड़ लगानी है मिलिट्री में भर्ती होना है तुमने यूपीएससी के हिसाब से लक्ष्य बना लिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स भाई मुझे एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना है मैं बोलता कैसा हूं मेरे शब्दों में कितनी गरिमा है जब ये जी ट्वेंटी का डिक्लेरेशन लिखा गया तो ये आई ऑफिसर ने तो लिखा ये आई ऑफिसर ने लिखा जब दुनिया के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को मनाना था कि यार झगड़ा मत करना हो जी ट्वेंटी फेल हो जाएगा तो इन लोगों ने जाकर निगोशिएट किया ये रातों रात थोड़े ना डब्बे में से निकाला होगा अरे निकाले कॉरिडोर बना ले क्या इसके पीछे पिछले साढ़े नौ सौ दिनों से अजीत डोवाल साहब और तमाम जो हमारे देश के ऑफिसर्स थे लगे हुए थे कि क्या पॉसिबल स्पाइस रूट बनाया जा सकता है भारतीय संस्कृत को तैयार किया गया चाइना सिल्क रूट की बात कर रहा है अपने इतिहास की बात कर रहा है और हम दुनिया में मसाले बेचते थे हम कभी स्पाइस रूट का नाम लेने से हमें डर ही लगता था हमारा इतिहास ही ब्लर था हमें तो लगता ताजमहल के पहले हमारा कोई इतिहास ही नहीं है हमें यही लगता था तो आज हम गर्व के साथ जा रहे हैं ना अपने इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुसार शासन अब ये अनुसार मेरा मेरा लक्ष्य है कि मुझे एक साल दो साल इसके लिए देना है मुझे राइटिंग हैबिट्स मुझे रीडिंग हैबिट्स तेजी से पढ़ने की हैबिट सोचने की हैबिट राष्ट्र की समस्याओं को जानने की हैबिट मुझे होनी चाहिए ये क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये विवाद क्यों हो रहे हैं ये संभावनाएं क्या हैं तुम्हारा दिमाग हर समय इसके साथ चलना चाहिए इसके अनुसार जो तुम शासन अपने दिमाग को दोगे वो ही तुम्हारा अनुशासन है तो यहां घंटे नहीं काम करेंगे थक गए थक गए हाँ थक गए सोने का टाइम हो गया साढ़े ग्यारह बजे सर ने बोला है अचानक से तुम्हें याद है मैंने दस क्वेश्चन नहीं किए सो तुम्हारा टारगेट इंपॉर्टेंट है मान लो जी ट्वेंटी में कोई ऑफिसर ऐसा होता अचानक से उसको थकान लग गई इधर मेहमान खाने की तैयारी कर रहे हैं नहीं सर दस बज गया <laughs> कल खाना पर सर हम जा रहे हम तो दस बजे खा लेते हैं आपने नहीं खाया अभी तक ओ नहीं मिलेगा ऐसा हुआ था क्या वहां पे जब तक मेहमान चले नहीं गए सारी व्यवस्थाएं अभी आपने देखा आज एलजी ने सारे पुलिस वालों को सम्मान किया है क्योंकि पूरी रात वो बरसात में खड़े रहे हाई रेट पे खड़े रहे पूरी पूरी रात बारिश में वो ड्यूटी देते रहे चाहे वो आईपीएस रैंक का अधिकारी हो चाहे कोई और हो पूरी पूरी रात अपनी जगह से पोस्ट से एक इंच नहीं हिले वो और ऐसी भी खबरें आई कि ऐसी ऐसी जगह पर महिला पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी जहां टॉयलेट व्यवस्था नहीं थी दे यूज डाइपर्स आप अंदाजा लगाइए कि हमारे देश की किसी चीज को सफलता करने के लिए उनको कितना बड़ा त्याग करना पड़ा यह सच्चाई है हमारी कर्तव्य सबसे क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस और मिलिट्री में अनुशासन ही सबसे बड़ी जान होती है वो बहुत अनुशासित लोग होते हैं नो क्वेश्चन वट एवर द प्राइज इज अबाउट योर प्राण योर लाइफ योर फैमिली एवरीथिंग क्या उतने पुलिस वालों में किसी का बच्चा बीमार नहीं हुआ होगा क्या किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ होगा क्या उसमें किसी महिला को कोई समस्या नहीं रही होगी आप तो बहुत बड़ा सपना लेकर आए उन्हें तो सैलरी मिलनी है बट ड्यू टू द ड्यूटी एंड कंट्रोलिंग द माइंड द सिस्टम उनको सिस्टम ने इतना अनुशासित कर दिया कि उसमें से कई महिलाओं को कई तरह की समस्या होंगी लेकिन वो रात भर ड्यूटी में खड़ी रही समझे तो वो कहते हैं कि ड्यूटी फर्स्ट वॉट एवर द प्राइज इज अबाउट योर तुम्हारी जान तुम्हारी लाइफ भी अगर प्राइज है तो तुम्हें देना पड़ेगा इज so, इसीलिए इन सेनाओं को क्या बोला जाता है अनुशासित कहा जाता है अनुसार शासन करना अनुशासन है सो इफ आर क्लियर अबाउट योर गोल एक्चुअली में तुम्हें आईएस ही बनना है अब एक्चुअली वर्ड मैंने जानबूझ के लगाया है क्योंकि आजकल ये फैशन हो गया है क्या कर रहे हैं आईएस की तैयारी कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे बात करते हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं डूड है ये बहुत बड़े ठीक है एक्चुअली अगर तुम्हारा गोल यूपीएससी है तो यू हैव हाँ राइट योर एटिकेट्स व्हाट आई शुड बी मुझे कैसा होना है तो फिर तुम्हारे दिमाग में कोई और चिंतन नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा देश होगा तुम्हारे दिमाग में इसकी समस्याएं होंगी इसके समाधान के बारे में बात होगी एवरी टाइम सो योर माइंड विल नॉट एनर आपको वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा उसको टेंशन ही नहीं तुम कहां हो क्या हो बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड अकॉर्डिंग टू योर गोल्स दिस इज कॉल्ड अनुशासन मेरे ये लाइन वापस कर देना मेरे को कोई लिख के ठीक है यानी अपने लक्ष्य के अनुसार अपने दिमाग को शासित करने कंट्रोल करने की क्षमता अनुशासन है अपने लक्ष्य के अनुसार अपने दिमाग को शासित करने की क्षमता अनुशासन है अब तुम मुझे बताओ ईमानदारी से कितने लोग अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के हिसाब से शासित करने की क्षमता रखते हैं या कर रहे हैं मत हाथ उठाओ मत हाथा क्योंकि इस अभी मैंने बताया ना ड्यूटी इज एवरीथिंग ड्यूटी इज पढ़ना मुंबई कांड के बारे में हेमंत करकरे साहब के बारे में और भी ऑफिसर्स के बारे में कि जब वो आईपीएस ऑफिसर थे थाने के थाने उनके अंदर में आते हैं लेकिन सामने से आर्म्ड फोर्स के लोग और ड्यूटी थी आइदर आर आईपीएस ऑफिसर डजेंट मैटर पढ़ना जाके जो लोग शहीद हुए तो उनके पास फौज बहुत कम थी और फौज को आने में बहुत टाइम लगता था एंड दे गिव द सुप्रीम जो हमारा त्याग होता है वो उन्होंने करके दिखा दिया वो वेट करते तो थाने आ जाता बंदूकिया लेकिन टेररिस्ट सामने आ गया कोई चांस नहीं है तरीका था भाग जाते और तरीका था मुकाबला करते ड्यूटी उन्हें थिकाती है उन्हें पता था कि सामने इतने आम हाई जो उनके पास एक सैतालीस तमाम चीजें हैं। और नतीजा देखा उन्होंने अपने प्राण दे दिए शहीद हो गए वो लेकिन उन्होंने ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा सो इफ यू आर फीलिंग सम पेन इन योर हैंड और पेन इन योर हेड और पेन इन योर स्टमक And, इसके बाद अगर तुम ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हो सो यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर माइंड तो याद रखना इफ देर इज एनी एक्सक्यूज वो भी तो कह सकते अरे मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है नहीं जाने दो कसाब को, बट तो उन्होंने क्या चुना ड्यूटी चुनी उन्हें पता था कि वो सहायता नहीं मिलेगी तो वो और वही हुआ वही हुआ, वही हुआ। तो ड्यूटी जब बात आती है ना अनुशासन अनुशासन कहता है नो अदर ऑप्शन करना है तो करना है और ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं शाह फैजल साहब का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने शाह फैजल आईएस टॉपर कश्मीर का इकलौता बंदा जिसने आईएस टॉप किया तो शाह फैजल के फादर को आतंकवादियों ने मार दिया था शाह फैजल डॉक्टर थे विकल्प चुनना था मन में आग जगी कि भाई ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके बच फादर नहीं हैं घर में लोगों को मार दिया तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस छोड़ी और यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी करूँगा टाइम कम था क्योंकि घर में संभालने वाले वही थे विडो मदर दिक्कत तो थी हालात भी अच्छे नहीं थे वही इकलौते घर की उम्मीद थी कि लड़का डॉक्टर हो गया कुछ कमाएगा उम्मीदों का पूरा बोझ आप लोग कहते हैं बड़ा बोझ है आपके ऊपर तो भैया क्या हुआ उन्होंने कहा यूपीएससी देना है आए तो उन्होंने फिक्स कर लिया मेरे इतना ही टाइम में दूंगा इससे ज्यादा नहीं नहीं हुआ तो वापस अपना जो काम है वो करूंगा तो उनकी खुद की स्टोरी है दूरदर्शन पर भी ये इंटरव्यू पड़ा है जाके देख लेना तो क्या होता था जब वो रात में सोने जाते थे तो वो अपना टारगेट सुबह बना लेते थे आज मुझे ये काम करना है और उन्होंने टारगेट बनाया और उन्होंने सीख किससे ली मोहम्मद अली से ली मोहम्मद अली दुनिया के जाने माने बॉक्सर तो कभी मोहम्मद अली के बारे में पढ़ना इसीलिए मैंने तुम लोगों की डायरी में सुबह दो पेज पढ़ने के लिए बोला पढ़ोगे तो थोड़ा तो दिमाग खुलेगा तो मोहम्मद अली प्रैक्टिस जानते हो कैसे करते थे दुनिया के सबसे लीजेंडरी बॉक्सर तो वो प्रैक्टिस जब करते थे तो खूब बॉक्सिंग बैग को पीटते थे तो खूब प्रैक्टिस करते थे तो क्या होता जब वो थक जाते थे तो कहते अच्छा अब मैंने अपने अपोनेंट के लिए प्रैक्टिस कर ली यानी कि मेरा अपोनेंट अब थकने लगा होगा ठीक है अब फिर और प्रैक्टिस करते थे और थकान होती थी बोलते अच्छा अब मैं अपने अपोनेंट पे भारी पड़ने लगा तो जब इतना हो जाता था सारे लोग परेशान हो जाते पसीने से नहाए हुए एकदम हाफ रहे बोले नो अब बोले अब प्रैक्टिस तो सब स्टाफ कहता था सर प्रैक्टिस आप घंटों से बॉक्सिंग बैग को पीट रहे हो बोले अभी तक तो मैं अपने अपोनेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था नाउ इट्स टाइम फॉर मी अब मैं अपने लिए प्रैक्टिस करने जा रहा हूं तो ये इंसान का दिमाग होता अनुशासित दिमाग लिमिट को पुश कर लेता है पढ़ना जाके मोहम्मद अली के बारे में इंटरनेट पे भी समय इजिली अवेलेबल है तो कहते नाउ इस टाइम फॉर मी अब मैं अपने लिए प्रैक्टिस करूंगा और वो एक्सट्रीम चले जाते थे इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा नॉकआउट उन्हीं के इस समय मारते धाए से अपोनेंट खत्म रिंग में लेटर सबसे ज्यादा नॉकआउट उन्हीं के नाम पर नॉकआउट मतलब कम, जो अपोनेंट उठता नहीं था रिंग में मारा वो लेट गया तो शाह फैजल साहब ने उनसे प्रेरणा ली कि मोहम्मद अली ने प्रैक्टिस कैसे की उन्होंने कहा मैं भी यही करूंगा तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया लक्ष्य बहुत कठिन बनाए तो जब सोने जाते थे तो वो कहते थे अरे यार क्या मेरे टारगेट्स पूरे हुए और जवाब मिलता था यस तो बोले अब चलो सो जाओ उनका टाइम टेबल ऐसा था और बोले नहीं मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो तो अपने आप को मारते थे अपने आप को कोसते थे तुम्हारी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी तू सो रहा है और उन्होंने कहा छह महीने तक मैंने इसकी प्रैक्टिस की छह महीने के बाद जब ऐसा करते करते मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया तो मैंने दूसरा काम शुरू किया मैंने अपने आप टारगेट घंटों के बनाए मैंने शुरुआती टारगेट बनाया कि आठ घंटे तो मैंने टाइम टेबल बनाया कि आठ घंटे अगर मैं रोज पढ़ूंगा तो मैं पचास हजार लोगों को पीछे मतलब लास्ट पचास हजार में आ जाऊंगा उन्होंने इस तरह से टाइम टेबल बनाया ताकि उनका पूरा इंटरव्यू देखना तो अब उन्होंने कहा अच्छा पचास हजार में मेरा नाम आ जाएगा अब मैं नौ घंटे पढ़ूंगा डेली तो अब मेरा कंपिटिशन केवल दस हजार लोगों से बचेगा फिर उन्होंने कहा अच्छा दस हजार लोग तो अब मैं ग्यारह घंटे दस घंटे पढ़ूंगा तो अब लास्ट के पांच हजार लोगों में पहुंच जाऊंगा फिर उन्होंने कहा अब मैं बारह घंटे पढ़ूंगा लास्ट के केवल हजार लोगों के बीच में आऊंगा फिर उनका मैं अब और थोड़ा पुश करता हूं अपने आप को कि मैं इतना पढ़ूंगा और लास्ट में उन्होंने कहा कि एग्जाम से पहले ही पता चल चुका था मुझे कि मैं टॉप हंड्रेड के अंदर आऊंगा और कहते हैं ना कि इतिहास भी वीरों का साथ देता है उन्होंने लास्ट में अपनी पढ़ाई को इतना पहुंचा दिया कि उन्होंने कहा अब मैं सिक्योर हूं कि शायद सौ ही लोग ऐसे होंगे जो इतनी डिसिप्लिन के साथ रोज इतने घंटे पढ़ाई करते हैं ये उनका इंटरव्यू है उन्होंने कहा मैंने मोहम्मद अली से सीख ली थी इसकी लाइफ में हमेशा एक रोल मॉडल होता है तो उन्होंने कहा लास्ट में आते आते मेरा कॉन्फिडेंस हो चुका था कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा ये दूरदर्शन पर इंटरव्यू पड़ा हुआ है हाँ लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य और सुखद है कि रैंक वन इतिहास मैंने रच दिया और उस व्यक्ति के सिलेक्शन के बाद से कश्मीर में लोग सिविल सेवा की तैयारी में घुस गए घुसते चले गए मतलब एक शिक्षा की क्रांति उस आदमी ने पैदा कर दी कश्मीर में कश्मीर में पहले सिविल सेवा की इतनी तैयारियां लोग नहीं करते थे उस एक आदमी की वजह से से बहुत से लोग कश्मीरी बच्चे तैयारी करने घुस गए कि हमें भी ये बनना है तो ये उनका मेथड था कि पहले मैंने इतना पढ़ा पचास हजार लोगों को पीछे कर दिया दस हजार लोगों को पीछे कर दिया अब मैं इतना पढ़ूंगा कि मेरे कॉम्पिटिशन में हजार लोग बचेंगे अब मैं इतना पढ़ूंगा कि अब तो भैया केवल सौ लोग मेरी टक्कर में क्योंकि देश में केवल सौ ही लोग होंगे जो महीनों तक रोज इतने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं नियम से पढ़ाई कर रहे हैं सो ये होता है अनुशासन स्वयं पर शासन करना दुनिया में सबसे कठिन काम ही स्वयं पर शासन करना है किसी को मार के उसका घर द्वार छीन लो जमीन हड़प लो यह शासन नहीं है दुनिया में सबसे कठिन शासन स्वयं पर ही होता है वही अनुशासन है वही अनुशासन और दुनिया में जितने लोग महान हुए हैं उन्होंने सबसे पहले किस पर शासन किया स्वयं पर शासन किया तो ये लौ, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है तो अनुशासन अभी तुम्हारा क्या है कल को हो सकता है तुम्हारा अनुशासन किसी और काम के लिए दूसरा हो जाए कल को तुम जो ऑफिसर बन जाओ गए गोल्फ खेलने नहीं आता गोल्फ खेलने समझ में नहीं आ रहा इधर मारे उधर मारे हॉकी तरह लेके टहले तो तुम अनुशासन करोगे कि मुझे रोज दो घंटे गोल्फ खेलने जाना है तुम्हें तो टेंशन नहीं ना कि कोई एग्जाम क्रैक करना है फिर तुम गोल्फ में जाओगे फिर उसमें कई लोग कहते नहीं अब मुझे स्टेट लेवल पर खेलना कई ऑफिसर खेलते हैं हमारे नोएडा के जो डीएम साहब थे उनका एक पैर नहीं था पैरा ओलंपिक में पदक लेकर आए भारत के लिए डीएम थे और उस समय उन्होंने कोविड की ड्यूटी की थी कोविड मैनेजमेंट किया था सोचो कोविड मैनेजमेंट करने के बावजूद भी कब वो प्रैक्टिस करते होंगे तो उनका एक इंटरव्यू छपा था यहां के पेपर में तो उन्होंने कहा मेरी सफलता में मेरा सिर्फ अनुशासन था कि मैं सारी ड्यूटी करने के बाद मेरा था कि मैं स्टेडियम दो घंटे जाऊंगा ही जाऊंगा वो दिव्यांग थे और भारत के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल लेकर आए डीएम यहां के नोएडा के और उनको इसलिए बुलाया गया था कि यहां नोएडा में कोविड के, के केसेस बिगड़ रहे थे वो इलाहाबाद में थे कुंभ मेले का सफल आयोजन किया था प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नजरों में थे कि बहुत तगड़ा ऑफिसर है यार जीरो कैजुअलिटी के साथ इसने सारा कर दिया तो उनको स्पेशली बुलाया गया नोएडा कि केसेस नहीं बढ़ने चाहिए दिल्ली में केस बढ़ रहा है नोएडा में आ जाएगा स्प्रिड कर जाएगा और उसके बावजूद वो बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक में भारत को पदक दिलाते हैं क्या उनके 24 घंटे लंबे थे कोविड के दौरान जिसकी ड्यूटी लगी थी गवर्नमेंट ऑफिसर की वो जानते थे उनको खाने पीने की भी टाइम नहीं मिलता था और उसके बावजूद वो दो घंटे बोले बस सिर्फ ये था कि मुझे इतने बजे रात में इतने ग्यारह बजे तक मुझे स्टेडियम में रहना है तो रहना है मैं अपने लिए दो घंटे निकालता ही था प्रैक्टिस के लिए कभी मौका मिल जाता था ज्यादा भी खेलता था तो कंपाउंड इफेक्ट कल तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोला था वही है जीवन थोड़ा थोड़ा काम डेली करना है तो ये जो आज मैंने ये बात कही क्योंकि हम पढ़ाएंगे और तुम उसको फिर सुनोगे और कान से निकाल दोगे तो आज आपको समझना प्रिलिम्स क्या है इसी रूप में आपको तैयारी करनी है मेन्स क्या है तो अगर आप स्वयं अनुशासित नहीं होगे तो आपका आंसर कभी अनुशासित नहीं होगा बहुत से लोग बहुत से आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करते नहीं लिख पाते क्योंकि तुम्हारे विचार ही अनुशासित नहीं है तो जो तुम्हारे विचार अनुशासित नहीं है तुम्हारा लेखन कभी राइटिंग कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएगी इसीलिए मेन्स इस में केवल बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं और तुमने कहा कि प्रिलिम्स स्क्रीनिंग है तो छांट किसको रहे हैं पूछना किसी से बोल दे सीरियस और नॉन सीरियस स्टूडेंट किसके माथे पर लिखा हुआ है कि मैं सीरियस हूं जो नॉन सीरियस है वही सबसे ज्यादा सकल बना के घूमता रहता हमसे बात मत करिए हम पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे करके घूमता रहता है वो ऐसे बोलता ना हमेशा मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं एक सब्जेक्ट की पांच किताब रखेगा पढ़ेगा एक भी नहीं तो वो आप सीरियस नॉन सीरियस का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स तो वो चौदह हजार सेलेक्ट करके बारह हजार सेलेक्ट करके मेंस में लेके जाते हैं ग्यारह लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं चौदह बारह हजार जा रहे हैं मतलब क्या है उसका मतलब वन हु डिसिप्लिन फ्रॉम द डे वन उन बारह चौदह हजार लोगों को यह विद्या पता थी कि इसी किताब से पढ़ना क्या है क्योंकि सबके पास एनसीआरटी बराबर है हिंदू बराबर है जागरण बराबर सबके पास बराबर है लेकिन बहुत ज्यादा संख्या के बच्चों को पता ही नहीं कि इसमें करना क्या है फैक्ट किसे कहते हैं हु इज फैक्ट फैक्ट इज इंपॉर्टेंट बट विदाउट रीजन एनी फैक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट आपने कहा महिलाओं की आपने एक आंसर लिखा कि महिलाओं की अवस्था में उन्नति हो रही है भारत में गरीबी कम हो रही है बड़ा खुश हुए भारत की गरीबी कम हो रही है और एक ने उसी को लिखा भारत में पिछले पांच सालों में या दस सालों में चौतीस परसेंट गरीबी कम हुई है तो दोनों के बीच का अंतर आ गया यहां पर जो रीजंस विद फैक्ट दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है और रीजन जो फैक्ट्स विदाउट रीजन है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है उसको बाकी एग्जाम्स के लिए छोड़ दो ठीक है